है? मनुष्य कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। व्यास नाम का कोई मनुष्य हुआ, उसे असुर कहेंगे या मनुष्य कहेंगे? क्यों? वो मनन चिंतन मंथन करने वाला व्यक्तित्व था, इसलिए उसे कहेंगे मनुष्य। उसे राक्षस कोई कहेगा? कोई नहीं कह सकता। अभी भी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। व्यास के रूप में जो भी आत्मा मनन चिंतन मंथन में लगी रहे, सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, मन कहाँ लगा रहे? मनन चिंतन में लगा रहे। हंसते खेलते, अगर हंसी कुड़ी भी आपस में करेगा तो हंसी कुड़ी में क्या समाया हुआ होगा? है मनन चिंतन मंथन समाया हुआ हो, उसे मनुष्य कहेंगे या राक्षस कहेंगे? है मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में ही भगवान आता है। भगवान देवताओं में नहीं आता है, राक्षसों में भी। कोई भी धर्मी, कोई विदेशी आत्मा जो अपने धर्म की पक्की है, अपने धर्म खंड की पक्की है, उसमें भगवान नहीं आता है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य तन की भारी महिमा है, परंतु गलती से शास्त्रकारों ने 84 लाख का चक्कर चला दिया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जन्म लेती है। ये बड़ी भारी भूल हो गई। गाइड है, एंजल है और मैसेंजर है। एंजल का काम क्या है? फरिश्ता, जिसका फर्स्ट की दुनिया वालों से कोई स्पेशल रिश्ता नहीं। जैसे भगवान कोई के साथ पार्शलिटी नहीं करता, ऐसे फरिश्ता भी कोई के साथ संबंध रिश्ते नहीं निभाता कि ये मेरा संबंधी है, इसलिए इसके ऊपर रहम करना है या विशेष प्राप्ति कराना है। सतयुग में नई दुनिया के बाल बच्चे पैदा होंगे। तो नई दुनिया में बाल बच्चे पैदा करने वाला नई दुनिया का होगा या पुरानी दुनिया का होगा? कहाँ का होगा? नई दुनिया में 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म देने वाला, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक ऐसे बच्चों को जन्म देने वाला बाप भी कैसा होगा? ऐसे ही गुणों वाला होगा। तो सतयुग से पहले होगा या जब सतयुग शुरू होगा तब होगा? तो पहले ही होगा। बाप ने तो बता दिया। कि जब पतित दुनिया होती है तो सब पतित होते हैं, पावन दुनिया होती है तो सब पावन होते हैं। तो ये बात सुनकर के मति भ्रम पैदा हो जाता है कि सतयुग है पावन दुनिया, तो वहाँ ही पावन होंगे, उससे पहले की दुनिया में कोई पावन नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, पतित दुनिया और पावन देवताओं की दुनिया, दोनों दुनियाओं के बीच में है फरिश्तों की दुनिया। ऐसी आत्माओं की दुनिया जो नष्ट और मोहा हो जाते हैं। फर्स्ट की दुनिया वालों से, देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से उपराम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनके शरीर नहीं होते हैं, बिना शरीर के आत्मा फरिश्ता कही जाती है। नहीं, बिना शरीर के जो आत्माएं फरिश्ता बनती हैं, वो तो विदेशियों में गाए जाते हैं। वो फरिश्ते विदेशियों के, विधर्मियों के फरिश्ते हैं जो कभी देवता नहीं बनते। इसलिए विदेशी धर्मखंडों में फरिश्ताओं का गायन होता है, देवताओं का गायन पूजन नहीं होता है। और भारत में फरिश्ते तो क्या, जो नीच कोटि की आत्माएं होती हैं, जिनका स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, जिन्हें इविल सोल कहा जाता है, उनकी भारतीय परंपरा में मान्यता नहीं है। पहले उनकी कोई मान्यता नहीं थी। जब भारतवासियों की भक्ति मार्ग में सात्विक स्टेज थी, ये तो विदर्भियों की, विदेशियों के संसर्ग संपर्क में आने से, ये तांत्रिक प्रक्रिया वालों, मैली विद्या वालों की अवहेलना होना बंद हो गई, उनको महत्व दिया जाने लगा। नहीं तो गीता में लिखा है, मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। देवताओं की उपासक देवयोनि को प्राप्त होते हैं, और बाकी जो भूत प्रेतों के उपासक हैं, वो भूत प्रेत बनते रहते हैं। जैसी उपासना करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो ये फरिश्तों की दुनिया, जिनको अपना शरीर ही नहीं होता, उनकी मान्यता विदेशियों और विधर्मियों में है, उनके शास्त्रों में है। उनके शास्त्रों में देवताओं को कोई स्थान नहीं है। और हमारे शास्त्र में तो भूत प्रेतों को कोई स्थान नहीं है, जिनको स्थूल शरीर नहीं होता है, किसको स्थान है? उन देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है, उनकी मान्यता की जाती है, पूजन किया जाता है, जिन्होंने शरीर रहते रहते अपने को परिवर्तन कर लिया। देवों में उत्तर की दिशा जो श्रेष्ठ दिशा मानी जाती है, कहते हैं उत्तर में उत्तराखंड है, कैलाश पर्वत है, यहाँ देवों के देव महादेव का वास है। तो महादेव की नगरी भारत की उत्तर दिशा में काशी नगरी मानी गई है। और जो काशी नगरी है वो आत्मा ही अष्ट देवताओं में से एक देवता माना जाता है, जिसे उत्तर दिशा का कुबेर कहते हैं। कुबेर की क्या विशेषता है? कुबेर धन संपत्ति का स्वामी है। तो कौन सी धन संपत्ति, हद की या बेहद की? बेहद की धन संपत्ति क्या है? ज्ञान धन। तो अष्ट देवों में से जो पहला है, ईशान कोण में दिखाया जाता है, महादेव के रूप में उसका चित्र रखा जाता है। वो शंकर त्रिनेत्री ज्ञान धन संपत्ति को धारण करने वाला होना चाहिए या कुबेर होना चाहिए? कौन होना चाहिए? है? अरे इतना चक्कर में पड़ने की क्या बात है? है? अरे कुबेर धन संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, बेहद की धन संपत्ति उसको धारण करता कुबेर होना चाहिए, या ईशान कोण में स्थित जो ईश्वर कहा जाता है, देव देव महादेव कहा जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको दिखाया जाता है, वो होना चाहिए? है? उत्तर दिशा का कुबेर होना चाहिए? हाँ, महादेव होना चाहिए। लेकिन महादेव को लकब मिलता है पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला। ज्ञान की धारणा से स्थापना होती है या विनाश होता है? स्थापना होती है। शंकर को तो रुद्र के रूप में दिखाया गया है, रौद्र रूप धारण किया। और रुद्र यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित कर दी जो सारी दुनिया को चपेट में ले करके बैठ गई। तो ज्ञान से स्थापना होती है तो फिर विनाश कैसे होता है? अरे अरे उल्टा कर दो, ज्ञान से होती है स्थापना, ज्ञान से होती है प्योरिटी की स्थापना, पवित्र दुनिया की स्थापना, पवित्रता की स्थापना, और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। इसलिए शंकर का एक कार्य विशेष और दिखाते हैं। शंकर ने क्या किया? जो सारी दुनिया में विषय विकार फैले हुए थे, सारी दुनिया को भस्म कर दे रहे थे, क्या किया? विषय को, विकारों को पी लिया। तो विषय विकारों को पीने वाला वो विषय विकारों का आगार हुआ या ज्ञान धन का आगार हुआ? इसलिए शंकर द्वारा न स्थापना गाई जाती है, न पालना गाई जाती है। दूसरी मूर्ति के द्वारा क्या गाया हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। फिर अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो विशेष कार्य चल रहा है वो दूसरी मूर्ति का कार्य चल रहा है या पहली और तीसरी मूर्ति विष्णु का कार्य चल रहा है? है? दूसरी मूर्ति का कार्य चल रहा है। दूसरी मूर्ति का कार्य चल रहा है तो पवित्र रहने वाले ब्राह्मण, उनकी दुनिया का विनाश हो जाना चाहिए या स्थापना और पालना होती रहनी चाहिए? है? विनाश होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? ब्राह्मणों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो संख्या बढ़ रही है उसमें प्योरिटी भी बढ़ रही है। ज्ञान सार स्वरूप में टिक रहा है या विस्तार में जाने के कारण तामसी होता जा रहा है? जैसे झाड़ जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा तमो प्रधान होता जाता है, ऐसे ही ये ज्ञान भी जितना ज्यादा ज्यादा लोगों में फैलता जाएगा उतना उतना तामसी वाइब्रेशन दुनिया का बनता जाएगा। तो इसका कारण क्या हुआ? राम कहो या शंकर की मूर्ति कहो, जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो एक ही है या दो हैं? एक ही है। राम रावण बनता है या नहीं बनता है? बनता है। अरे आज नहीं तो कल जरूर बनेगा, क्योंकि वो सबका बाप है। सिर्फ देवताओं का बाप नहीं है, मनुष्यों का बाप नहीं है, ब्राह्मणों का बाप नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी का बाप है। कहते भी हैं मुरली में बार बार, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो जब रावण संप्रदाय का बाप बनने का पार्ट बजाता है तो रावण में कहें कि ज्ञान की धारणा होती है, है? कहते हैं रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था। भक्ति मार्ग में कथाएं बनाई हुई हैं कि राम जब लंका विजय करने के लिए समंदर के किनारे पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में पुरोहित के रूप में, पांडित्य के रूप में रावण का आवाहन किया कि हमारा यज्ञ आकर के संपन्न करावे। राम ने भी इस बात को मान लिया, क्या कि रावण को बुलाना चाहिए। वो रामायण में तो जो राम है, हम समझते हैं कि राम ऊपर वाली आत्मा है, नीचे वाली। रामायण में जिस राम का गायन है वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है, हम जानते हैं कि महाभारत में जो कृष्ण जिसका नाम दिया है वो भी ऊपर वाला है, और रामायण में जिसका नाम राम भगवान दिया है वो भी ऊपर वाली आत्मा है। कर्तव्य सारे उसके हैं। तो यज्ञ जो है रचने के लिए राम ने भी रावण का पांडित्य स्वीकार कर लिया, परंतु रावण तो अहंकारी था। जो अहंकारी होता है वो दुश्मनी निभाने वाला होता है या दुश्मनी को विसारने वाला होता है, दुश्मनी निभाता है। उसकी बुद्धि में आ गया कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए, बेइज्जत कर दिया, इसलिए इनकार कर देता है। और वो स्वयं इनकार नहीं करता क्योंकि वो तो बड़ा ज्ञानी। वो रावण भी माया बेटी की चक्करी में आ जाता है, क्या कोई स्त्री पार्टधारी है रावण संप्रदाय में जो उसको उकसाती है कि वहां बिल्कुल नहीं जाना। और वो माता का भक्त होने के कारण जो भी रावण संप्रदाय की आत्माएं होती हैं वो किसकी भक्त होती है? माता की भक्त होती है। हाँ, बाप मौजूद हो तो भी किसकी भक्ति करेंगे, किसको मानेंगे? माता को मानते हैं। विश्वा की बात नहीं मानी, माता की बात मानी और जाने से इनकार कर दिया। तो राम और रावण में ये अंतर दिखाया गया है कि रावण जो है प्रकांड विद्वान तो होता है सारी दुनिया जानती है कि बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो कुकर ज्ञानी है या वास्तव में ज्ञानी है? प्रैक्टिकल जीवन में कुकर ज्ञानी। कुकर कहते हैं मुर्गे को, जितने भी राक्षस हैं, राक्षसों की जितनी भी कथाएं आई हैं शास्त्रों में, उनको जो ताज दिखाया जाता है, उस ताज में मुर्गे की पूंछ दिखाई जाती है। यहाँ तक कि शास्त्रों की बात छोड़ दें, आज से 2000 साल पहले आक्रमण हुआ था विदेशियों का भारत में। चंद्रगुप्त का राज्य था। चाणक्य की कथा प्रसिद्ध है। उस समय जो आक्रामक विदेशी आया था, उसको भी ताज मुर्गे का दिखाया हुआ है। ये भक्ति मार्ग की बात नहीं है, हिस्ट्री की बात है। वो कौन सा ताज लगाते हैं? मुर्गे का ताज लगाते हैं। जैसे मुर्गे का पार्ट बजाते हैं तो वही ताज लगा देंगे। मुर्गा क्या करता है? औरों को जगा देता है। अरे भाई दाता गान क्या करो, दाता का गायन करो। क्या? जो दाता है, देने वाला है, उसका गायन करो। अमृत वेला हो गया है, खुद सो जाता है। तो ये रावण संप्रदाय का चरित्र दिखाया गया है कि दुनिया की नजरों में तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारणा के हिसाब से देखा जाए तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी है। चोरी से, क्या? चोरी से ऐसा काम करता है कि न समाज के लोग जानते हैं, न सरकार के लोग जानते हैं, न दुनिया के अज्ञानी लोग जानते हैं। उनकी नजर बचा के दूसरों की बहू बेटी को अपनी घरवाली बना के रखता है। रखता है या नहीं रखता है? हाँ? रखता है। बाबा ने बोला है तुम 7 सीताएं हो। क्या हो? 7 सीताएं हो। सब किसकी जेल में? रावण की जेल में। चलो आज नहीं तो देवी देवता सनातन धर्म अभी तो प्रायः लोप है। पूरा भी लोप होगा या नहीं होगा? पूरा लोप होगा तो उस समय 7 सीताएं रावण की जेल में प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी। तो रावण पवित्रता को धारण करने वाला है प्रैक्टिकल जीवन में, ऐसा ज्ञानी है या प्रैक्टिकल जीवन में वास्तव में अज्ञानी है? अज्ञानी है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने कहा इसका आवाहन करो, विजय माला का आवाहन करो। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला में भला अष्टदेव हैं और अष्टदेवों में से एक देवता काशी नगरी कहो, कुबेर कहो, उस रूप में पार्ट बजाने वाला है। काशी नगरी का गायन है कि शंकर जी का जो त्रिशूल था, उस त्रिशूल की जो नोक है, उस नोक पर काशी नगरी टिकी हुई है। क्या काय पे टिकी हुई है? त्रिशूल की नोक के ऊपर काशी नगरी टिकी हुई है। जैसे लोग कहते हैं, अरे इस रास्ते पर चलना तो ऐसे है जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना। तो तलवार की धार ज्यादा खतरनाक होती है चलने के लिए, या त्रिशूल की नोक ज्यादा खतरनाक है? नोक तो और भी खतरनाक है। ब्राह्मण जीवन में ऐसा पुरुषार्थी जीवन बिताना जो त्रिशूल की नोक के ऊपर पायट बजाने के मुवाफिक हो। कुबेर के लिए ये गायन है। कि वो 8 फरिश्तों में से विधर्मियों के हिसाब से और सुधर्मियों के हिसाब से 8 देवों में से दूसरा देवता है प्रमुख, और जो पहला देवता है ईशान कोण का ईश्वर, उसके कार्य में पत्नी की तरह सहयोग निभाने वाला है। वास्तव में रुद्रमाला के मणके आपस में भाई भाई हैं या पति पत्नी है? भाई भाई है। अगर स्त्री चोला भी है तो क्या कहेंगे? भाई बहन। पति पत्नी का तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे ड्रामा के रंगमंच पर कोई पार्ट बजाते हैं तो बाप और बेटे राजा रानी का पार्ट बजाने लग पड़ते हैं। बजाते हैं या नहीं? ऐसे ये भी है कि जो काशी नगरी है, जो काश्य अर्थात याद के तेज को धारण करने वाली योगिनी है, वो योगिनी पूरे ब्राह्मण परिवार का पालना करने का कार्य करती है। और वो पालना का कार्य तीसरी मूर्ति विष्णु का है। तीसरी मूर्ति जो विष्णु है, वो तीनों देवताओं के बीच में प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता का आगार है या नहीं है? हैं? पवित्रता का आगार है। परंतु न तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में विष्णु की मूर्ति है, न जगदम्बा की मूर्ति है, न गंगा है। तो पालना कैसे हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में पालना लेने के लिए, देने के लिए प्रैक्टिकल में माँ का पार्ट बजाने वाली कोई मूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पवित्रता के बगैर ब्राह्मणों की दुनिया की पालना नहीं हो सकती। और शंकर जी तो विष पाई है, जो विष पीने का कार्य करने वाला, उसे पवित्र कहेंगे या उनके फॉलोअर्स अवधूत होते हैं। जो अवधूत सन्यासी होते हैं वो पवित्र होते हैं या विष्णु के फॉलोअर्स पवित्र होते हैं। पवित्र जीवन किनका देखने में आता है? विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव संप्रदायी वो पवित्र जीवन बिताते हैं। शंकर के फॉलोअर्स अवधूत के रूप में दिखाए जाते हैं, नंगे घूमते फिरते हैं नागा बाबाओं की तरह, या जैनियों में नंगे जैन मुनियों की तरह देखे जाते हैं। सुना होगा दांत भी साफ नहीं करते हैं। उनकी सोचने विचारने की तौर तरीके ही कुछ और हैं। तो शंकर द्वारा तो पालना नहीं हो सकती, वो तो सबको बाप को कहा जाए, घर परिवार में कहा जाए बाप को तुम ये छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए, माँ मर गई, इनकी पालना करो, तो करेगा है? और ही गुस्से में आकर के फेंक देगा या छोड़ देगा, फेंक देगा। ये बाप के बस की पालना नहीं है। परिवार की पालना कौन करती है? माँ करती है। लेकिन माँ है तो नहीं है, नहीं है, फिर भी माँ का पार्ट बजाती है। तो वजन चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा दूसरी मूर्ति के ऊपर, है? चढ़ेगा ना। उधार का बोझ चढ़ गया। परिवार को पालने के लिए बाप जो भी कमाई करे, अगर पत्नी नहीं है मौजूद, जगदम्बा मौजूद नहीं है, तो जो भी उसका कार्य निभाने वाली है उसको सारी कमाई अर्पण करना पड़े या नहीं करना पड़े? करना पड़े। और अभी तो दिन दूनी रात चौगुनी एडवांस ब्राह्मण परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? बढ़ रही है। दुनिया में तो पंप एंड शो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बीके में उससे भी ज्यादा करते हैं। वो पंप एंड शो के आधार पर उनकी बढ़ोतरी होती है, और यहाँ तो कोई पंप एंड शो नहीं किया जाता। सिर्फ ज्ञान की सच्चाई है, उस सच्चाई के आधार पर स्वतः ही आत्माएं निकल रही है, आकर्षित हो रही है। तो परिवार की संख्या बढ़ रही है। बढ़ते हुए परिवार की पालना करने के लिए जिसको नाम दिया गया है परदादी, क्या पुरानी आत्मा है या नई आत्मा है? पुराने से पुरानी आत्मा है, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में कहा गया है कि तुम अष्टदेव बच्चों ने इन दीदी दादियों को भी दिव्य गुणों से पालना की थी यज्ञ के आदि में। आदि में दिव्य गुणों से पालना की थी, तो अंत में भी पालना करने के निमित्त बनेंगे या नहीं? ज्ञान रत्नों से पालना करनी है। तो ऐसे बच्चों में काशी नगरी कहो या कुबेर कहो, वो प्रैक्टिकल जीवन में एडवांस ब्राह्मण परिवार के अंदर अव्वल नंबर प्योरिटी की प्रैक्टिकल धारणा करने वाली आत्मा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। क्या इतने बड़े परिवार की पालना, और उस परिवार में भी दुनिया के बड़े से बड़े पाप आत्माएं बैठे हुए हैं, और उस परिवार में दुनिया के बड़े से बड़े पुण्य आत्मा भी बैठे हुए हैं। ऐसी अड़भंगी आत्माओं की पालना करना साधारण काम नहीं है। जबकि जगदम्बा को तो सारा जगत जानता है। एडवांस पार्टी की दुनिया का जो भी जगत है, ब्राह्मण परिवार जगदम्बा को जानता है या नहीं जानता है? जानता है। और एडवांस पार्टी की जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें 90% 80% दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं। है या नहीं? वो आसुरी धर्मों के बीज हैं, ये दैवी धर्मों के बीज है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो सिर्फ 20% ही कहो, बाकी 80% और आसुरी धर्मों के बीज हैं। वो आसुर जगदम्बा को मानेंगे या सूर्यवंशियों की अम्मा को मानेंगे? किसको मानेंगे? है तो जगदम्बा को ही मानेंगे। शास्त्रों में नाम दिखाया गया है। जिन कश्यप ऋषि से नई सृष्टि की शुरुआत हुई, उनको 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति कहते हैं जिनका पुरुषार्थ प्योरिटी का खंडित हुआ। उन खंडित होने वालों में अव्वल नंबर पुरुषार्थी दिति। जो महाकाली का पार्ट बजाती है, और उसके अपोजिशन में बैठी हुई है महागौरी अदिति। पहले पैदाइश किसकी होती है, राक्षसों की या देवताओं की? राक्षसों की पहले पैदाइश होती है। तो दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। दिति का पार्ट जो सारे जगत की अम्बा है, वो सारे जगत में मान्यता प्राप्त है ऑलरेडी, पहले से ही। और सच्ची बात भी है कि एडवांस पार्टी की शुरुआत में अगर जगदम्बा पहले पहले सरेंडर न हुई होती, तो इतना बड़ा परिवार आज यहाँ बैठा होता क्या? है नहीं बैठा होता। 75 से बाप की प्रत्यक्षता हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में। 76 से लेकर के ये 5 ईयर प्लान चलता है ईश्वरीय गवर्नमेंट का। वो 5-6 वर्ष पूरा होते होते ब्राह्मण परिवार का, एडवांस पार्टी का कोई भी संगठन देखने में नहीं आया दुनिया में, न कोई स्थान मुकर्रर हुआ। जब जगदम्बा निकलती है तो स्थान भी मुकर्रर होता है और परिवार भी मुकर्रर हो जाता है। तो सारा एडवांस परिवार, ब्राह्मणों का सारा ही जगत जगदम्बा को तो जानता है, मानता है, लेकिन जो सूर्यवंशी अष्टदेव हैं, उनकी माँ को, सूर्यवंशियों की माता को, काशी नगरी को कोई नहीं जानता है। निश्चय पत्र भी लिखते हैं तो कौन से माँ बाप का नाम लिखते हैं? जगत पिता जगदम्बा का नाम लिखा जाता है। तो मान्यता भी नहीं है। जगदम्बा की मान्यता, महाकाली की मान्यता सब जिलों के ऊपर विराजमान है। वो परदादी की मान्यता नहीं है। बेसिक में परदादी कौन से शहर की इंचार्ज रही? ईस्टर्न जोन की इंचार्ज रही। अभी भी ईस्टर्न जोन की इंचार्ज है, लेकिन मान्यता ना के बराबर है, या जो होनी चाहिए वैसी है, ना के बराबर है। तो जैसा बेसिक में वैसा ही एडवांस में है। तो ऐसा पार्ट है काशी नगरी का कि मान्यता मिले न मिले, क्या कोई माने या न माने, कोई मतवा दे या न दे, लेकिन वो अपना पार्ट बखूबी निभाती है। जो ब्राह्मणों के जीवन का खास पुरुषार्थ है, क्या देह के संबंधियों से नष्टो मोहा, उनको देखने की भी कोई इच्छा नहीं, पत्र व्यवहार करने की भी इच्छा नहीं, फोन से बात करने की भी इच्छा नहीं। वो परिवार के भांति कितना भी पीछे पड़े तो भी जैसे कि पूर्व जन्म की बात हो गई। नया परिवार मिला, नया जन्म मिला, नए संबंधी मिले, नई दुनिया मिली, उसमें ही जीवन बिताना है। इसलिए दुनिया भले उस पुरुषार्थी आत्मा की महत्व को जाने या ना जाने, लेकिन भगवान बाप उसी आत्मा को महत्व देता है। इसलिए शंकर की प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, कलकत्ता नहीं है, बंबई नहीं है, क्या है? काशी नगरी। और वो काशी नगरी काशी राज की जितनी कमाई हुई धन संपत्ति है, काशी राज कहो, बालाजी कहो, बाप दादा कहो, राम कृष्ण का कंबाइंड रूप कहो, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी अर्जन होता है, उपार्जन होता है, उसका सारा पोता मेल, सारा हिसाब किताब किसकी हाथ में पहुंचता है? है? कुबेर के हाथ में पहुंचता है। चढ़ावा तो सब चढ़ाते हैं, किसके ऊपर? बाप दादा के ऊपर, राम कृष्ण की आत्माओं के लिए। लेकिन वो सारा चढ़ावा जाता किसके हाथ में है? है? कुबेर के हाथ में जाता है। तो कौन माता ने प्रश्न पूछा था? समाधान हुआ? हाँ जी। इतना छोटा छोटा पूछा है कि कन्वर्ट माना क्या? एक गीता पाठशाला वाले अगर दूसरी गीता पाठशाला में जाने लगते हैं तो क्या उसे कन्वर्शन कहा जाता है? कन्वर्ट होना कहा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। एक ही गीता पाठशाला में अनेक धर्मों के फॉलोअर्स हो सकते हैं। एक ही मिनी मधुवन में अनेक धर्मों के फॉलोअर्स हो सकते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना है कि गीता पाठशाला के जो जिज्ञासु हैं अगर कोई दूसरी गीता पाठशाला में जाने लगे तो वो कन्वर्ट हो गए, उनका धर्म परिवर्तन हो गया। नहीं, अगर ऐसा होता तो बाबा मुरली में ये क्यों बोलते? कि ब्राह्मणी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारी गीता पाठशाला में आओ, हमारे सेंटर में आओ, दूसरे सेंटर में ना जाओ। कोई भी बच्चा कोई भी सेंटर में जावे, कोई भी गीता पाठशाला में जावे, कोई मिनी मधुबन में जावे, उनको आने जाने से रोकना नहीं है। अगर कन्वर्शन होने वाली बात होती तो बाबा मना कर देते। बाबा कहाँ चाहते हैं कि दूसरे धर्म में कोई कन्वर्ट हो। बाबा तो अपने धर्म में पक्के रहने वालों से प्यार करते हैं ज्यादा है या कन्वर्ट होने वालों से ज्यादा प्यार करते हैं? अपने धर्म में पक्के रहने वालों से प्यार करते हैं। तो एक गीता पाठशाला को छोड़ करके कोई दूसरी गीता पाठशाला में जाता है, उनको ऐसे नहीं समझना है कि वो कन्वर्ट हो गया। नहीं, दूसरी गीता पाठशाला में भी ब्राह्मण हैं, हमारी गीता पाठशाला में भी ब्राह्मण हैं। अभी पार्ट तो किसी के डिक्लेयर नहीं हो गए कि कौन सा ब्राह्मण किस कुरी का ब्राह्मण है, या हम नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, दूसरा ऊंची कुरी का ब्राह्मण है, या हमारी गीता पाठशाला में ऊंची कुरी के सूर्यवंशी है, बाकी दूसरी गीता पाठशालाओं में नीच कुरी वाले हैं। ऐसा अनुमान लगा करके नहीं बैठ जाना। हाँ जी। हमको कुबेर को पड़ जाता है। कुबेर क्या है? नाम क्या है? और संपूर्ति अब बोला है ना, ब्राह्मण को संपूर्ति ऐसा कुबेर के पड़ जाता है। कुबेर क्या है? उसका नाम सब संपत्ति कुबेर के पास जाते हैं। कुबेर कौन है? अरे 8 देवताओं में से एक देवता का नाम है कुबेर। क्या 8 जो अष्ट देव हैं उन अष्ट देवों में से पहले नंबर का नाम है ईश्वर, जो शंकर के रूप में दिखाया जाता है। ईशान कोण में उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के कोने में जहाँ से सूर्योदय होता है उसे कहते हैं ईशान कोण, ईश्वर की दिशा। और उससे भी उत्तर की ओर जो देवता है, उत्तर दिशा का अधिपति। 8 दिग्पाल गाए जाते हैं ना, दिग माने दिशा, 8 दिशाओं को पालने वाले। उन 8 दिशाओं को कब पाला होगा? षष्ठी के आदि का गायन है, मध्य का गायन है या अंत का गायन है? ये 8 दिग्पाल जो शास्त्र में गाए हुए हैं, 8 दिशाओं के 8 पालना करने वाले 8 दिग्पाल, 8 ही धर्म ऐसे हैं जो सारे विश्व में भगवान से राजाई की प्राप्ति करने के बाद फैले हुए हैं। कोई उत्तर दिशा के हैं, कोई दक्षिण दिशा के हैं, कोई ईशान कोण के हैं। 8 धर्मखंड गाए हुए हैं। उन 8 धर्मखंडों में पालना करने वाले 8 दिग्पाल हैं। किस समय की बात है? जरूर संगम युग में, जब ऊंची स्टेज का पाठ बजाते हैं ब्राह्मण, तो उस समय 8 राजाइयां सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगी और उनके 8 मुखिया 8 धर्मों में पूर्वज के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे। हर धर्म के फॉलोअर्स और धर्म पिताएं उन 8 देवों को 8 फरिश्तों के रूप में मानेंगे और उनमें से अमुक अमुक को अपने धर्म का पूर्वज मानेंगे कि हमारे धर्म में सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला कौन हुआ? ये अमुक हुआ, दिग्पाल। उनमें से एक का नाम है कुबेर। 8 नंबर हैं 8 देवताओं के, तो नंबरवार प्रत्यक्ष हुए होंगे, नंबरवार प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया होगा या आगे पीछे लिया होगा? नंबरवार जन्म लिया होगा। पहले कौन जन्म लेगा? हैं? अरे जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनमें 8-9 ही विशेष प्रसिद्ध है। 8 हैं भगवान से विशेष प्राप्ति करने वाले। उन ग्रहों उपग्रहों का मूल है सूर्य, जो सूर्य ईशान कोण से उदय होता है। इसलिए अष्ट देवों के जो चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं दक्षिण भारत में खास, उनमें ईश्वर अर्थात शंकर की मूर्ति ईशान कोण में दिखाते हैं। वो पहले पहले प्रत्यक्ष का रूपी जन्म लेता है ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी के बीच। उसके बाद कौन प्रत्यक्ष होता है? कुबेर प्रत्यक्ष होता है, काशी नगरी प्रत्यक्ष होती है। वो काशी नगरी की ये विशेषता है जो भारत में खास गाई हुई है कि काशी में जाकर जो मरेंगे कहाँ जावेंगे? सीधे स्वर्ग में जावेंगे। अगर बाहर की दुनिया में मरेंगे तो नरक में मरेंगे, अगर काशी में जाकर मरेंगे तो स्वर्ग में जा। मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब है देहांत से मरना। देह के जो भी संबंधी हैं, कनेक्शन तत्व, कुछ लेना देना नहीं। जो भी लेना देना है किससे? एक बाप से। प्रैक्टिकल जीवन में ये साबित हो जाए, एक बाप दूसरा न कोई है। गाड़ी नहीं मिलेगा तो बंद कर दो।